मुझे बहुत याद आ रही थी उनके मामा ने बिरयानी बनाई थी, अलग ही फैला रखा है। कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है की थाल। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं सब खैरियत से होंगे, बढ़िया होंगे। और जी मैं भी बहुत खुश हूँ। और हम आ गए हैं अपनी नानी के घर से। हाँ दुखी हूँ। और हम अपनी नानी के घर से अपने घर आ गए हैं आज। अभी तक मैंने बुरखा भी नहीं उतारा, मैंने सोचा आप वीडियो बनाती। चलो फिर हम घर आ गए हैं। और ये देखिए हमारे बजीज, जिसकी मुझे बहुत याद आ रही थी उनके घर पे। कहाँ हाँ, वो रोज साफ होते रहते थे ना, इसलिए दिखते थे, अब दिख रहे हैं। इन्होंने अब तक अंडे नहीं दिए हैं, ऐसा क्यों पता नहीं। पता नहीं उनको, देखियो कबूतर कितने अंडे दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे भी ये चुड़ियाँ अंडे ही नहीं दे रही। दिखाती हूँ मैं घर की क्या कंडीशन है। और अपने घर आके जो सुकून मिलता है वो अलग ही होता है, अलग लेवल का सुकून है। तो हम जल्दी से अपना चेंज वेंज करते हैं, घर वर साफ, बढ़िया ईद की तैयारी करनी होगी। तो हमें ईद की तैयारी करनी होगी क्योंकि बड़ा ही गंदा हो गया होगा सब। यहाँ देखो सब कुछ साफ पड़ा है वैसे तो, बस थोड़ा बहुत क्या है गंदा है। यहाँ से तो कुछ नहीं, अब हम सुबह ही करेंगे। यहाँ की तो जो बहुत थोड़ी बहुत सफाई है वो करेंगे। हमने दिखाया नहीं आपको आते टाइम क्योंकि माहौल थोड़ा नरम गरम हो गया था। सब रोने लग गए थे हमें देख के। हम आ रहे थे ना इसलिए, तो हमने इसलिए वीडियो नहीं बनाया उस वक्त का, वरना दिखाते ज़रूर आपको। सब रो रहे थे हमें छोड़ने के चक्कर में। बकरा बेचारा बाहर तक आया था हमें लेकर, सब बच्चे पीछे पीछे, और हम अपने घर आ गए। तो जी हम खाने लगे हैं यहाँ पर केक, शायद केक नहीं, ये तो मुझे लग रहे हैं कुछ पत्थर ईंट बन गई है। रख के रखे शायद नहीं, सही कल वल के रखे होंगे उमर भाई ने, थोड़े टाइट से है मगर सही है। तो जी हम आ गए हैं छत पर क्योंकि लाइट हमारी जो है चली गई थी हमारे स्वागत में, जब से लाइट आई नहीं है। और हम ऊपर छत पे आ गए हैं ताकि हम यहाँ पे साथ साथ, हम दो और उनकी मम्मा और उनकी सिस्टर सब आ गई हैं। देखो डाइपर में आ गई हैं। हम तो हेलो बोलो, हेलो बोलो, यहाँ पे भी हो रही है। कितना अच्छा हेलो बोला। हाँ, कैसे बोला? तो जी हम बैठ के यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छी हवा चल रही है क्योंकि हमारी छत काफी ऊंची है ना, तो अच्छी हवा आती है अल्लाह के शुक्र से। नीचे बहुत गर्मी लग रही थी, अब हम ऊपर आ गए हैं आराम से बैठेंगे। और हाँ एक अच्छी बात ये है कि यही कपड़े तो मैं पहन कर गई थी, वही कपड़े मैं पहन कर आ गई हूँ। पूरे टाइम ये नहीं पहने मैंने, आते टाइम पहने थे, मुझे पता नहीं था कि मैं यही पहन के आई थी, इत्तफाकन पहन लिए गए। आज जुम्मे का दिन था, मैंने चेंज करा था तो बस यही पहन के मैं आ गई अपने घर क्योंकि लिमिटेड कपड़े लेके गए थे। हाँ लिमिटेड थे ना कपड़े, इसलिए इसको मैंने रिपीट करा था वहाँ पे। इस मतलब आज ही पहना, जब से आज पहना नहीं था। चलो तो आराम से हवा के मज़े लेते हैं हम। तो यहाँ रात का टाइम हो गया है और पापा ले आए थे कबाब, तो जल्दी से हम लोग कबाब खाने जा रहे हैं। कुछ रोटियाँ भी आई हैं, तो वैसे तो हम वहाँ से खाना खा कर आए थे, मामा ने बिरयानी बनाई थी हमको खा कर आए थे, मगर क्योंकि थोड़ी देर बाद भूख लगने लगती है तो पापा ले आए थे, पापा को भी भूख लग रही थी, जल्दी से अब हम इनको खाते हैं, मैं दस्तरखान लगाती हूँ। ओके अस्सलाम वालेकुम। तो हो गई है जी यहाँ पर सुबह और हमने लगा लिया है नाश्ता, बस जल्दी से हम लोग नाश्ते से फारिग होते हैं। और आज सारा नाश्ता मैंने बनाया है क्योंकि आज मैं उठ गई थी, इल्मा पे उठी नहीं थी, तो जल्दी जल्दी मैंने सब कुछ नाश्ता बना लिया। और ये जो वही रात के कबाब है वो हमने खाए नहीं थे, तो इनको अब हमने कर लिया है गर्म, जल्दी से हम नाश्ते से फारिग होते हैं। तो इधर नाश्ते वगैरह से फारिग होकर मैं करने लगी हूँ टेंसिस को वॉश, पूरा किचन फैल रहा है। और यहाँ इल्मप्पी ने अलग ही फैला रखा है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। क्या ये देखिए, ये सारा स्टफ जो कि हमारी अलमारी के ऊपर रखा था इधर वाले पोर्शन में, पहले देख रखा होगा आपने, वो सब निकाल दिया है इल्मप्पी ने। तो ये हमारे घर ड्राई अप्पी है, ये हमारी अप्पी का है जो कि वो ठीक होने के लिए देख रही थी, मगर आज तक ठीक नहीं हुआ। तो ये सारे सिगड़ी वगैरह, ये हमारे जो हमने क्या करी थी वेलकम सेरेमनी करी थी घर की, जब हमने फ्लैट की ओपनिंग करी थी, तो जब आए थे ये सारे गिफ्ट्स, दिखाया नहीं, कभी आपको मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह दिखाएंगे। और ये जो सिंगटी वगैरह है ये भी जब आई थी, ये हम इस बार बकरीद पर यहाँ लगाने की सोच रहे हैं, देखते हैं लगा भी पाते हैं या नहीं।
सारी पहुँच, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी, सफाई कर रहे हैं। और अप्पी भी आ रही हैं हमारे घर, छोटी वाली अप्पी जो है हमारी, वो आ रही हैं अपने किसी गेस्ट को लेकर। तो आज उनका भी अराइवल है, और घर की क्लीनिंग तो करनी थी क्योंकि हम लोग अभी आए हैं, तो बस क्लीनिंग चल रही है। तो देखिए इधर बच्चों ने सारे कबड खोल लिए हैं और उसमें रहे हैं खेल। आप क्या कर रही हो? और इधर बस मैंने नाश्ता लगा लिया, पूरा किचन में मैस हो गई है। उधर सारा सामान पैकेट्स वगैरह रखे हैं। मैं जा रही हूँ अंदर जल्दी से नाश्ता लगाने के लिए, और फिर हम नाश्ता करते हैं, फिर मैं आपको मेहमानों से मिलवाऊंगी कि हमारे घर कौन कौन आया है। ओके चलिए देखते हैं। घर आई हुई है हमारी गोलू, प्यारी क्यूट बेबी, देख सकते हैं आप। ओहो, इन्होंने फेंक दिया है मेरा सामान। लाओ भाई लाओ, रख देती हूँ मैं इसे। आप ही लाइन कहाँ से हो निकाल के? चलो मैं रखती हूँ। और साथ ही साथ आ गए हैं जैद, मुन्नू, क्यूटी बेबी, नंगा नहीं दिखाया मैंने। और इनकी फुप्पो भी हमारे साथ हैं, जिनसे तो पहले ही मिल चुके हैं। ये है मंतशा, आलपी की नंद, और हमारे आज हमारे घर नई गेस्ट भी आई हैं, सुभाना। अभी मैं उनसे मिलाती हूँ, अभी वो ज़रा कुछ काम कर रही हैं। तो देखिए जी, समद और वगैरह ये सब लोग गए थे ऊपर, और समद वहाँ से ले आए हैं चील का ये पर, जो कि काफ़ी बड़ा है। फुर 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 कर दूँ आप ही तो बड़ा प्यारा भी लग रहा है माशाल्लाह। कैमरे में बड़ा नहीं लग रहा मगर काफ़ी बड़ा है। आप ही लेके चली जा रही हैं इसको कहीं। तो लाइट चली गई है जी, और हम लोग जा रहे हैं ऊपर। चलो आप ही। तो जी पहुँच गए हम लोग छत पर, और ये है आज का व्यू। कमीज उड़ रही है धड़ाधड़। अच्छा मौसम हो रहा है आज का, चील वगैरह भी उड़ रही हैं। तो हम एक गेम खेल रहे हैं अब, जिसमें हमें ढूंढना है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। जिसमें मैंने इनको बताया था एक कि एक जगह पर तार बहुत सारे पड़े हुए हैं, और ये बेचारे मासूम ढूंढ नहीं पाए। ये वाले तार, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये जो दिख रहे हैं, ये मैंने बताए थे ये ढूंढ नहीं पाए, लेकिन मैं होशियार ने बहुत दूर से बता दिया था इनको। तो अब हमें क्या ढूंढना है सामी? अब सामिया को दे दिया मैंने, हार गई मैं इस पर, रहम दिल। बताना ज़रा क्या ढूंढना है। ये ढूंढ रही है, इन्होंने बता दिए गद्दे। गद्दे ढूंढने हैं? गद्दे बता दिए। कहाँ हैं? किधर? वो रहे। मुझे भी दिख गए, देखो मेरी नज़र कितनी तेज़ है। तो मुझे तुम्हारी बोरे से थोड़ी ना पता चलेगा भाई ये क्या बात हुई। वो देखिए, वो मैंने बिना एक नज़र में पहचान लिया। वैसे मैंने कई बार बता दिया इधर उधर, लेकिन बेईमान है ना। टूटा पंखा ये चल रहा, नीचे चल रहा है, वो भी हवा से। देखा अभी ना, देखे बता दिया मैंने, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ये पंखा देखा था, ये देखिए, और मैंने बिना देखे बता दिया। आई एम सो टैलेंटेड, क्योंकि मैंने पहले ही देख लिया था बहुत देर पहले। और एक लड़का नाचता हुआ, कहीं एक बच्चा नाचता हुआ, और कम से कम आधा एक घंटा ना आया है बच्चा आज, गल ना जाए इतना नहा लिया बेचारा। अब सामिया पूछेंगी, क्या पूछती हैं देखते हैं। सामी पूछो स्पीड में। चलो मैं पूछूं, तुम सब तो नहीं पूछ पा रहे ठीक से। एक जगह कलरफुल सी चीजें टंगी हुई हैं, बताओ कपड़े हैं या जो भी है, देखो क्या है। वाले कपड़े। बताओ भाई बताओ, यही बताओ। कपड़े नहीं है? हैं कपड़े, मगर बताओ क्या है, कहाँ है वो, कहाँ है? नहीं नहीं तीन बोले मैंने, तीन किधर? नहीं तुम जो बता रही हो मैं वो देख रही हूँ। हाँ ये ठीक जवाब दिया है इन्होंने। सिर्फ तीन कपड़े नहीं है बाबू, ये बताओ आप। हाँ बस बस। तो अब कौन जीता है? सामी जीती है। दोबारा बताओ सामी क्या पूछती हो। और ये गेम बहुत अच्छा है, ये मंतशा तो बेचारी एक कोने में आ गई है। चलो इधर की तरफ ही बताया इन्होंने, अब देखते हैं कहाँ पैंट सूखी हुई है। पैंट चौड़ी पैंट कहाँ है? वो रही, वो न्यू वाले फ्लैट में मैंने कितनी जल्दी देखा है कि नहीं। और ऊपर वाले फ्लैट के देखिए कितने अच्छे कर्टन्स आए हुए हैं, ये न्यू आए हैं लोग इस घर में रहने के लिए। और देखिए ऊपर वो हमारे न्यू नेबर्स, जिनसे हमारी मुलाकात नहीं हुई है, और होगी भी कि नहीं पता नहीं। आज हम किसी से इस तरह से बोलते नहीं हैं एक्चुअल में,
लेकिन चले लेट्स गो फ्रॉम हेयर। क्या बोल रही हो तुम दोनों? तो यहाँ जी मैं बना रही हूँ खाना, उसमें बननी है बिरयानी सब लोगों के लिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम बिरयानी बहुत ज़्यादा क्यों बनाते हैं। एक्चुअल मैंने ये इंडियन की थोड़ी सी आदत होती है, सब ज़्यादातर बिरयानी खाना पसंद करते हैं और आकर खुद कह देते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। अब पी आई मी थी, अपन ने कहा बिरयानी ही बनाना, मैं सोचा था चिकन टिक्का बनाऊँ पर उन्होंने मना कर दिया, तो फिर मैंने सोचा चलो बिरयानी बनाते हैं। और हमारे गेस्ट हैं अंदर, चलो मैं दिखाती हूँ। उधर देखिए आफिया और ये जैद क्या कर रहे हैं, दोनों खेल रहे हैं कबड्ड के अंदर। और उमर भाई की कबड्ड की हालत तो देखो भैया, उमर भाई हमारे बहुत बिगाड़ते हैं। और मेरा देखना सिंसियरिटी के साथ कितना हट बुड्ढे सामने से, ओ माय गॉड हट जाओ बिट्टे। देख सकते हैं आप हर चीज़ एकदम सही रखी रहती है मेरी। हेलो बोल दो। और यहाँ पर सब जी ये एक थी निगार मूवी देख रहे हैं, पाकिस्तानी मूवी है ये, ये देख रहे हैं सब। ये बहुत अच्छी मूवी, मैंने भी देखी हुई है, काफ़ी अच्छी मूवी है ये, सब लोग देख रहे हैं। सुमत भी आए हुए हैं हमारे घर, चादर बिगाड़ने हमारी। Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward. तो जी सारे मेहमान चले गए हैं खैरियत से, और जी यहाँ मैं और सामी खाना खाने लगे हैं। तो ये हम दोनों खाने की थाल, क्योंकि हम दोनों खाएंगे इसलिए मैंने इतना सारा खाना निकाल लिया है। और बस चाय वगैरह पी थी मैंने, नहीं पी अभी, हाँ पीऊँगी अभी चाय। आजकल मैं भी चाय पीने लगी हूँ, पहले मैं पीती नहीं थी चाय, आजकल पीने लगी हूँ। सबने पी थी ना अभी, तो मैंने सोचा मैं भी पी लेती। तो यहाँ हम दोनों खाना खाएंगे फटाफट से, फिर चाय पियेंगे और फिर सोएंगे। पता नहीं क्या टाइम हो रहा, मेरे ख्याल से 11 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं। तो फिर चलिए खाते हैं फटाफट से।